और इस बार शरद पवार जी, मेरा ये बापट सभागृह में बैठा हुआ कार्यकर्ता ढंग से जान गया है, आपके झूठ नहीं चलेंगे, मैं बता कर देता हूं। चलेंगे क्या? अरे जोर से बोलो, चलेंगे क्या? चलेंगे क्या? घर घर जाकर इस झूठ का जवाब देना है, पर्दाफाश कराना है। ये झूठ भी बोलेंगे, भ्रांति भी फैलाएंगे, अपने यहां विखवाद खड़ा करने का प्रयास भी करेंगे। मैं सभी कार्यकर्ताओं को आज कहना चाहूं, अपने आप को इस चुनाव तक साइड पर कर दीजिए, अपनी जगह कमल के हित को केंद्र में ला दीजिए। एक एक कार्यकर्ता कमल को समर्पित हो, एक एक कार्यकर्ता कमल को जिताने के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करे, और एक एक कार्यकर्ता अपने साथी को जिताने के लिए भाजपा से भी ज्यादा परिश्रम करे। मुझे बताओ भाइयों बहनों, एनडीए को जिताना है या नहीं जिताना है? ऐसे नहीं चलेगा भाई, मैं बनिए का बेटा हूं, गारंटी के बगैर वापस नहीं जाऊंगा। मुझे जरा जोर से बताइए, युति को जिताने के लिए जोर लगाएंगे? भाजपा का हर प्रत्याशी हमसे बढ़कर हम परिश्रम करेंगे? भाइयों बहनों, ये चुनाव जो है, ये चुनाव का परिणाम उनकी भ्रांतियों का जवाब। एक बार महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड हम जीत लेते, ये राहुल गांधी का अहंकार चूर चूर हो जाएगा। पूरे देश में जोम भरने की जिम्मेदारी मेरे महाराष्ट्र भाजपा के कार्यकर्ताओं में। आप मुझे बताओ भाई, पूरे देश को फिर से एक बार 14 से ज्यादा जोश में लाना है या नहीं लाना है? अरे जोर से बोलो, लाना है नहीं लाना है? इसका एकमात्र रास्ता है, इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा विजय महाराष्ट्र में पूरे देश के कार्यकर्ताओं को जोश दिलाने का काम करेगा। इसकी जिम्मेदारी भाइयों बहनों आपकी। भाइयों बहनों, ये जो बात करते हैं महाराष्ट्र के विकास की, जवाब लेते हैं, मैं आज शरद पवार को पूछने आया हूं। पवार साहब, 10 साल तक आप महाराष्ट्र में, आपकी सरकार थी, केंद्र में भी आपकी सरकार थी, 10 साल तक आपने महाराष्ट्र को क्या दिया? जरा हिसाब लेकर आइए, 10 साल में क्या दिया? झूठे वादों के अलावे आपने कुछ नहीं दिया। भाई और बहनों, यूपीए के 10 साल में महाराष्ट्र को केंद्र से 1,91,000 करोड़ मिला था, सिर्फ 1,91,000। कितना मिला था जरा जोर से बोलो तो, और जोर से बोलो, घर घर जाकर बताना है कितना मिला था। एक मिनट, कितना मिला था फिर से बोलो। नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में 14 से 24 में 10,05,000 करोड़ रुपया महाराष्ट्र को देने। और पवार साहब, अगर हिसाब पे भरोसा नहीं है तो पुणे का कोई चौराहा तय कर लो, हमारा मुरली माहौल हिसाब लेकर खड़ा हो जाएगा, पाई पाई का हिसाब। मैं आज भाइयों बहनों 10,00,000 करोड़ का हिसाब लेकर आया हूं, 10,00,000 करोड़ का। ना उन्होंने मुंबई के लिए किया, नासिक के लिए किया, ना पुणे के लिए किया, ना नागपुर के लिए। चारों शहरों का विकास अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। हमने रोडवेज के लिए 75,000 करोड़ दिया, रेलवे के लिए 2,10,000 करोड़ दिया। ये रेलवे मंत्री यहां बैठे, जोर से ताली बजाओ, जरा जोर से ताली बजाओ। और 1,00,000 करोड़ का मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन मैंने 10,00,000 करोड़ में नहीं गिना है, और 4,04,000 करोड़ एयरपोर्ट के विकास के लिए दिया। 6 लेन का अटल बिहारी वाजपेयी सेवारी नया सेवा अटल सेतु का उद्घाटन हुआ, 11,000 करोड़ का पालखी मार्ग बना,
रेलवे के 5800 किलोमीटर के 34 नए प्रोजेक्ट आए, 561 करोड़ से महाराष्ट्र में 9 एयरपोर्टों का रिनोवेशन हुआ, मत्स्य पालन के लिए, सिर्फ मत्स्य पालन के लिए 2600 करोड़ रुपया और 180,000 मछुआराओं के लिए बड़े बड़े मत्स्य केंद्र बनाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने। और पवार साहब आप कहते हो कि आपने विकास किया, ये महाराष्ट्र के सहकारी साकर कारखाने, महाराष्ट्र के किसाने का समृद्धि का राजमार्ग। 10 साल तक पवार साहब आप कृषि मंत्री सहकारिता मंत्री थे, 10 साल तक 10,000 करोड़ का इनकम टैक्स का प्रश्न आप सल नहीं कर पाए थे। मैं सहकारिता मंत्री गया, मोदी जी के पास फाइल लेकर गया, 1.5 मिनट में 10,000 करोड़ का साकर कारखानाओं का काम नरेंद्र मोदी। आप जो 10 साल तक नहीं कर पाए वो मोदी जी ने 1.5 साल में किया। महाराष्ट्र सरकार ने भी नया बजट पारित किया, मोदी जी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम से बहनों को विधानसभा और लोकसभा में 33% आरक्षण दिया, और देवेंद्र फडणवीस ने माजी लाड़की बहन करकर हर बहन को 1500 रुपया हर महीने भेजने की शुरुआत। अब पवार साहब कहते हैं इसमें नया क्या है, मैं भी मानता हूं इसमें नया क्या है, तो आपने क्यों नहीं किया भला बताइए, आपने करना चाहिए था ना। अब चिंता मत करो पवार साहब, महाराष्ट्र की जनता आपको करने का मौका भी नहीं देने वाली है, फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आनी। और खटाखट खटाखट खटाखट